नमस्कार। कारगिल वॉर में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित शेरशाह जैसी शानदार फिल्म बनाने के लिए करण जौहर की खूब तारीफें हो रही हैं। हाल ही में वेटरन एक्टर कमल हसन ने शेरशाह के डायरेक्शन के लिए विष्णु वर्धन को मौका देने के लिए उनकी तारीफ की। वहीं करण जौहर पर हमेशा निशाना साधने वाली कंगना ने भी करण जौहर की फिल्म शेरशाह की जमकर तारीफ की है। अब शेरशाह की सफलता के बाद करण जौहर की एक पोस्ट ने सभी को चौंका दिया है। इस पोस्ट पे करण ने जीवन मृत्यु के बंधन के बीच इंसानी फितरत पर कटाक्ष किया है। हालांकि इस फिलोसॉफिकल पोस्ट के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही है। करण इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी पोस्ट करते रहते हैं। हाल ही में करण ने इंस्टा स्टोरी पर एक नोट लिखा, कोई गुजर गया फिर आपने अफसोस वाला बटन दबा दिया। वहीं लाइफ इज शॉर्ट वाली बात हजारवीं बार दोहराने लगे। गिले शिकवे मिटाने का जिक्र भी हुआ, फिर आपने अचानक अपने बारे में बिचिंग सुनी और आपने भी वही किया, बिचिंग। वाह जनाब, लोग गुजर जाते हैं रोज, पर हम कौन सा जिंदा है। करण की इस बात का मतलब तो समझना मुश्किल है, पर उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। इंसानी फितरत के इस दोगलेपन पर उन्होंने सही से तंज कसा है। बात करें करण जौहर की फिल्म शेरशाह की, तो इस फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आए हैं, जिनके काम की हर कोई तारीफ कर रहा है। इस रोल में वो खूब जचे। वहीं कियारा आडवाणी ने डिंपल चीमा का किरदार निभाया है। फिल्म को हर तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। यही वजह है कि शाहरुख से लेकर आलिया भट्ट ने भी इस फिल्म की तारीफ की है। साथ ही सिड की परफॉर्मेंस को भी काफी सराहा है। बात करें करण के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो फिलहाल वो बिग बॉस OTT को होस्ट कर रहे हैं। साथ ही अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग शुरू कर चुके हैं, जिसमें रणबीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। करण जौहर के इस पोस्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।